नमस्ते गोपाल भैया। जी भैया, तो नमस्ते सभी को। इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो इस सत्र में हम लोग बेसिकली, अगर पूरे मॉर्निंग सेशन को देखें तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास किस लिए कर रहे हैं? अभ्यास अपने स्वभाव को देखने का कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ने बात यहाँ से शुरू की थी कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है, और उस अर्थ में हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। स्वभाव से हमारी कल्पनाशीलता चल रही है या प्रभाव से हमारी चल रही है, अभी उसको देखने का हम लोग स्टेप वन में अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर स्वभाव से हमारी कल्पनाशीलता चल रही है तो उसमें एक तरह का इच्छा विचार आ जाएगा। प्रभाव से चल रही है तो उसमें दूसरी तरीके का इच्छा विचार आ जाएगा। तो भी इन सबको हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान दे रहे हैं, हम ये देख पाएंगे कि अभी हमारी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है वो प्रभाव से चल रहा है या स्वभाव से चल रहा है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग स्टेप वन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो सुख की जो निरंतरता की हम बात कर रहे हैं वो तो स्वभाव से ही संभव है। प्रभाव से मिलने वाला सुख थोड़ी देर के लिए सुख जैसा लगता है, फिर नहीं भी दिखता है, उसकी निरंतरता नहीं हो पाती है। तो हमारे में बहुत सारे अन्यथा संस्कार ऐसे बन गए हैं जो इस अर्थ में हो गए हैं कि प्रभाव में ही सुख है या प्रभाव में भी सुख है। तो उन सबको इवेल्यूशन करने की बात हो रही है, उन सबको देखने की बात हो रही है, क्योंकि लंबे समय से हमने उसको एक्यूमुलेट किया है स्वीकृति के साथ। अब हम उसको देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा समय लगेगा जब हम उसको स्वीकृति के साथ लूज होने देंगे, विदा करेंगे, उस प्रोसेस में भी एक समय लगने वाला है। तो मेन बात तो ये है कि हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन पर काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो हम लोग इस पर बात करें कि हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देखा जाए, और देखते हुए जो भी हमको दिख रहा है, चाहे वो हमको अपना इच्छा दिख रहा हो, चाहे विचार दिख रहा हो, चाहे आशा दिख रहा हो, जो भी दिख रहा हो, उसको देखते रहा जाए। और देखने का जो एक ध्यान दिलाने की बात की जा रही है कि देखते समय इस बात को ध्यान देना है कि हम उसमें रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ध्यान अगर नहीं देंगे और हम ये अन्यथा वाला काम करने लगेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो फिर हम जो देख के संस्कार को इवेल्युएट करने वाला काम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से इस प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में दो बातें हम लोग बार बार क्लियर करते हैं, हर बार क्लियर करते हैं कि क्या करना है उस पर ध्यान दिया जाए, और क्या नहीं करना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। अदरवाइज अन्यथा हम बहुत कुछ करने लगते हैं, फिर हमको लगता है कि हम लोग इतने समय से कर रहे हैं और अपने में कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए हो जाता है कि हम अन्यथा वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं करने लगते हैं। तो प्रक्रिया को समझना एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रक्रिया में जाना एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये दो बातों के साथ हम लोग इस अभ्यास को कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग ने ये देखा है कि अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, जो भी दिख रहा है हमको उसको देखना है, और देखते समय ये ध्यान बनाए रखना है कि ध्यान तो हमको अपनी कल्पनाशीलता में रखना है। हम लोग ने ये भी देखा लोगों की शेयरिंग के साथ कि कई बार ध्यान हमारा बाहर चला जाता है, तो बाहर चला भी जा रहा है तो उस पर भी हम लोग रिएक्शन ना करें, और सिंपली अपने में ये निर्णय बनाए रखें कि अल्टीमेटली हमको देखना तो अपने में ही है। अगर निर्णय बनाए रखेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान वापस अपनी तरफ आने लगेगा, और ये बहुत स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ वापस आने लगे बिना खींचातानी के, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक बार ध्यान हमारा अपनी तरफ आने लगे, उस ध्यान का टाइम पीरियड बढ़ने लगे, फिर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अभी चल रहा है उसके पीछे है ना क्या भाव है, क्योंकि अल्टीमेटली भाव सूक्ष्म है और वही फैलता है विचार में, उसी से ही विचार फैल रहे हैं। तो सम्मान का भाव है तो एक तरह का विचार फैलेगा, क्रोध का भाव है तो एक तरह का विचार फैलेगा।
तो भाव के लेवल पर जाके इवेल्युएट करना, ये ज्यादा इजी काम है। अगर विचार को विचार से हम सेटल करेंगे तो थोड़ा मुश्किल काम है, उसमें उलझना ज्यादा हो जाता है। तो विचार जब फैल रहा है, उसके पीछे के मैं भाव को देख पाऊं, और उस भाव को जब मैं देख पाऊं तो सिंपल ये तीन बातें पूछ पाऊं कि ये भाव मुझे सह स्वीकार है कि नहीं है, या मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, और इस भाव की मैं निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं रखना चाहता हूँ। इतनी बात हम लोग अपने से नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहे हैं, और फिर से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब पूछ रहे हैं तो हम लोग उसको फिर से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास ये जवाब आया कि ये भाव मुझे सह स्वीकार नहीं है, अब उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं। केवल हम ये अपने से पूछेंगे भी है ना, तो भी उसकी इंटेंसिटी लूज होती है। तो अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि हमको सह स्वीकार है कि नहीं है, हमारे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है, इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। इतनी बात हम लोग सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं। तो स्टेप वन से मिलाकर स्टेप टू, तो अगर जिन साथियों को लगता है स्टेप वन को वो पूरा कर पा रहे हैं, तो स्टेप टू में फिर भाव के लेवल पर अपने से हम लोग मूल्यांकन करेंगे ये मुझे सह स्वीकार है कि नहीं है। जिनको लगता है प्रोसेस इंटरप्ट हो जाता है, अभी भाव तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो स्टेप वन को फिर से करें है ना, फिर से ध्यान बनाए रखें। आज नहीं बनाए फिर ध्यान बनाए रखें, कल भी नहीं बनाए फिर भी ध्यान बनाए रखें। एक बार ध्यान बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि पहले ये थोड़े समय के लिए हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, फिर ये समय बढ़ने लगेगा, और जब हम ऑब्जर्व करके भाव तक पहुंचे तो हम स्टेप टू करने लगे। तो स्टेप वन और स्टेप टू, अभी हम लोग इन दो पर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये काम जब हम कर रहे हैं, तो एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मेरे में है उसको हम देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, और ठीक से हम इवेल्युएट कर पाएंगे तो अपने में जो हमारे बनाए हुए दुख है उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे। दूसरा, ये करते हुए एक फायदा ये भी हो रहा है कि जब हम इस पूरे प्रोसेस में चल रहे हैं, अवेयरनेस बना के रखे हुए हैं, तो अब जो बाहर से आता है उसको हम बिना इवोल्यूशन किए स्वीकारेंगे भी। अभी बेसिकली हमारे में जो बना हुआ है, बिना अवेयरनेस के हमने कहीं स्वीकार लिया था, उस स्वीकृति से उसको अपने में रख लिया था, अब वो जो रख लिया है वो अपने में फैलता रहता है। तो अगर अन्यथा रख लिया है तो उसका हमको दुख मिलता रहता है। तो अब ये जब अभ्यास हम लोग करते रहेंगे हर पल हर क्षण, तो दो बातें होंगी, एक तो मेरे में जो है उसको देख के मुझे इवेल्युएट करना है, उससे हम मुक्त होंगे। दूसरा, अवेयर है तो बाहर से कुछ आ रहा है तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, उसको भी हम ठीक से वैल्यूएट करेंगे कि ये जो मैं स्वीकारने जा रहा हूँ है ना, ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। तो ये दो तरीके से हम अपने में ठीक से परिमार्जन कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो तो मेनली इस पर कर रहे हैं कि अभी जो है पहले उसको ठीक से देख लिया जाए, देखने का अभ्यास कर लिया जाए है ना, ऑब्जर्वेशन को एक बार समझ लिया जाए, फिर उसके साथ भाव के साथ क्या करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, इसको समझ लिया जाए। तो एक बार ये प्रोसेस पूरे से समझ जाए, इस पर अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेप वन और टू को मिलाकर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टेप वन एक महत्वपूर्ण स्टेप है ना, और जनरली मैं अपनी यात्रा में भी ऐसा देख पाया कई बार कि स्टेप वन थोड़ी देर के लिए करते हैं, स्टेप टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टेप वन को पूरा किए बिना अगर हम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन सब में शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो तर्क के आधार पर बहुत सारी चीज़ें में आराम मिल सकता है हमको, लेकिन जिस पल से हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं परिमार्जन हो जाए है ना, हम स्वभाव तक पहुंच जाए, उसमें मुझे अपने लिए तो एक बाधा दिखती है, आप लोग अपने लिए उसको देख सकते हैं। तो इतनी बात के साथ है ना, इस अभ्यास को हम लोग कर रहे हैं। तो कल से आज तक आपने अपने ऊपर ध्यान दिया होगा, अपने ऊपर ध्यान देके आपने ये देखा होगा कि स्टेप वन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, स्टेप वन कर पाए तो स्टेप टू कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इतनी बात पर अगर हम लोग की शेयरिंग होगी तो उसको हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, और जब हम सब लोग डिस्कस करेंगे तो कुछ तो हम लोग को तो सही मिलेगा ही जी। बताइए, तो यहाँ तक अगर किसी की शेयरिंग है तो
हम लोग उस बात को रख सकते हैं। तो कल से आज तक जो हम लोग ने ध्यान दिया है अभ्यास में, उस दौरान जो आप देख पाए हैं, जो कर पाए हैं, उस पर अगर आपकी कुछ शेयरिंग है तो हम लोग उसको ले सकते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते बिल्कुल। भैया मैंने ये जो शिविर है लास्ट ईयर किया था अप्रैल में, तो जी उसके बाद से लेकर अब पूरा ये साल हो गया तो बहुत अच्छा चला। जैसे ही मतलब ये कॉन्फिडेंस और इंटेंशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, तो उसे बहुत बिल्कुल रिलीफ मिला, सब बढ़िया चल रहा था सही बात है। और मैं खुश थी। और मेन जो जी था, अभी जो मैं देख पाती हूँ, अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड के साथ एक डिस्प्यूट हुआ, बहुत माइनर सी चीज थी, तो मुझे लगा कि वो सुनते जी नहीं है, अपने भाई की सुनते हैं, अपनी फैमिली बहन की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, मुझे ऐसा लगा। तो वो आर्गुमेंट जो है वो 15 दिन तक चला, मतलब वो उसमें मुझे लगा कि मेरी सुनते नहीं है तो मुझे बोलना ही नहीं है। तो मैं 10 दिन तक मैंने जी कुछ नहीं कहा, सब करती रही, काम सब हो रहे थे भैया, लेकिन अंदर वो जो फीलिंग थी वो मैं नोटिस कर पा रही थी कि आई वॉज वेरी 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 मच अनकम्फर्टेबल। लेकिन मैं उस फीलिंग जी से निकलना भी नहीं चाहती थी, मतलब मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उनके बिहेवियर को, कि इतने साल हो गए तो अब तो सुनना चाहिए एटलीस्ट। शायद अब जो मैं देख पाती हूँ, अब जो मैं अब ठीक हूँ, तो मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कहने का ढंग जो है वो ठीक नहीं था। अपनी कॉन्फिडेंस जी देखती हूँ तो मेरे में बिल्कुल भी वो, अपनी बात को मैं ठीक तरह से रख ही नहीं पाई थी और उन्होंने भी उसको गलत समझ लिया। लेकिन ये चीज जो है ना भैया, मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। स्कूल में मैं हर एक को, कोई कैसे भी बोलता है, मैं उसको बिल्कुल देख के ऑब्जर्व करके कि उसकी इंटेंशन तो ठीक है, वो ठीक से कह नहीं पा रहा है या उसमें वो काम नहीं करने की योग्यता है, सब मैं देख पाती हूँ और उनको हैंडल कर लेती हूँ। सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो है शायद मुझे लगता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मुझे लगता है कि उनको सुनना ही चाहिए, अब तो सुनना ही चाहिए, इतने साल हो गए हैं, तो क्या ये मेरी इवेल्युएशन ठीक है वो। लेकिन एक साल बाद वो पुरानी वही वाली फीलिंग वापस आ गई, तो मुझे लगा कि पूरा साल मैंने किया ही क्या है, वही सारी एजम्पशंस जो थी उनके बारे में वो सब वापस आ गई। और जब जबकि मैंने पूरे एक साल से ये मॉर्निंग सेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं कभी मिस नहीं करती, लेकिन ये 10 दिन जो मेरा वो हुआ आर्गुमेंट, तो 10 दिन में मैं नहीं अटेंड किया, मॉर्निंग सेशन में होती नहीं, और मुझे लगा कि आई एम बैक टू जीरो, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा साल जो है बेकार चला गया ऐसे लग रहा है। तो क्या मुझे, मतलब मुझे अभी लग रहा है कि शायद मेरी एक्सेप्टेंस नहीं उनके लिए, बाहर वालों के लिए सबके लिए एक्सेप्टेंस है, सबको जैसा भी बिहेवियर उनको उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे इतने सालों से जो जॉइंट फैमिली का काम बिना कहे कुछ भी मैं सब करती जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने और हर बात में सीधा मना कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, जो भी मैं कहूँ उसमें ऐसा हो जाता है। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा भैया कि मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, अपने आप को डिसकम्फर्ट वाली फीलिंग भी नोट कर पाई और जब मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, मैंने खुद जाके बात कर ली और वो भी देख लिया कि कंफर्टेबल हो गई, लेकिन ये दोबारा सिचुएशन ना हो उसके लिए आपको सजेशन चाहती हूँ भैया। जी दीदी, देखिए दीदी, अगर हम लोग इस अभ्यास को देखेंगे ना, तो हम लोग इस अभ्यास को यहीं से शुरू कर रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है। इसको दूसरे अर्थ में कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम स्वभाव में हैं तो सुखी होकर इंट्रेक्शन कर रहे हैं, अगर प्रभाव में हैं तो सुखी होने के लिए इंट्रेक्शन कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हमको अपने में बहुत क्लियर रहे, ये वो मेरी जो इंट्रैक्शन होता है उसमें क्या चीज़ रहती है, मैं सुखी होकर कर रहा हूँ या सुखी होने के लिए कर रहा हूँ, एक तो ये बात है। लेकिन आप जो बात अभी कह रही हैं उसमें तो ये क्लियरली दिखता ही है। होता क्या है दीदी, कि अभी हम जिनके क्लोज होते हैं ना बहुत ज़्यादा परस्परता में, उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके रखते हैं, है ना। और अपेक्षा जब हमारी पूरी नहीं होती है तो हम बार बार परेशान होते हैं। तो उसी के लिए हम लोग ये जो बात कर रहे हैं अभ्यास की,
पहले हम अपने में ये ठीक से इवेल्युएट कर लें कि हम अपनी कल्पनाशीलता में भाव देख लें, कि हम भाव विचार उसके पीछे के भाव को ठीक से देख लें, और मेरे में सहज स्वीकार जो भाव है वहाँ से स्टार्ट किया जाए। अगर इतना करते हैं तो हमारा जो पिछला वो है, जो भी विरोध बना हुआ है, जैसा आप शेयर भी कर रहे हैं कि कितने सालों बाद फिर से वो आ गया, बीच में तो हमको लग रहा था कि मैं रिजॉल्व हो गई हूँ, तो बेसिकली इसको हमें ठीक से देखना पड़ेगा, जिसको अभी हम रिजॉल्व होना बोलते हैं, है ना। तो इसको हमको ठीक से देखना पड़ेगा, अगर वो बार बार चीज़ें आ रही हैं वापस, तो अभी रिजोल्यूशन तो नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर हुआ होगा कि डाइवर्जन हुआ होगा, या उसकी इंटेंसिटी थोड़ी लूज हुई होगी, लेकिन पूरी तरह से वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो बार बार अपने में गहराई से बना रहता है, और जैसे ही सरकम इंस्टांसेस आते हैं तो वो हमारा भाव फिर से एक्टिवेट हो जाता है, भाव विचार जो भी है उस परिस्थिति के लिए वो सब एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट हो जाता है तो हमको फिर से लगता है कि हमने इतना समय लगाया है लेकिन ये हुआ ही नहीं है। लेकिन देखिए, उस पर अच्छी बात एक ये भी है कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। अब आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप में जो संस्कार है वो फिर से एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, हमारा ध्यान जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। अगर पहले की स्थिति देखेंगे, जो जनरली लोग शेयर भी करते हैं, तो पहले लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि बस सामने वाले को ही ठीक होना है। अभी आप जो उपलब्धि को बता रही हैं उसमें एक उपलब्धि यह भी है कि हमारा ध्यान तो जा रहा है, हमें लगा रिजॉल्व हुआ लेकिन समय के साथ पता चला रिजॉल्व नहीं हुआ, है ना। आप अपने को भी वर्क करने को तैयार हैं, ये सब हो रहा है, तो ये हो रहा है और ये टाइम लगता है। अपने में जो विरोध का भाव बना हुआ है इसको रिजॉल्व होने में थोड़ा समय लगता है, और समय इसी सेंस में लगता है क्योंकि हम अभी जब दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम भाव से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, हम अपेक्षा से इंटरेक्शन करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करेंगे, सही भाषा बोलेंगे, है ना, सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, तो ये व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, ये हमको सुनना शुरू करेगा। इस अपेक्षा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस भाव से, विश्वास के भाव से, सम्मान के भाव से, वात्सल्य के भाव से अभी हम शुरू नहीं कर पाते, है ना। हम इस अपेक्षा से शुरू करते हैं कि मैं अच्छा बोलूंगा तो ये भी व्यक्ति का ध्यान जाएगा, मैं अच्छी बातें इसको बताऊंगा तो इस व्यक्ति का भी ध्यान जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान जाता नहीं है तो हम फिर परेशान होते हैं। तो एक तो ये बात हमको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि अभी हम बहुत अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से स्टार्ट करते हैं, भाव से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा बहुत कम हो पाता है अभी। तो हम चाह रहे हैं कि दूसरा भी मेरे ऊपर विश्वास करे, दूसरा भी मेरे सम्मान करे, दूसरा भी मेरी केयर करे, वो करे, ये अपेक्षा के से स्टार्ट करेंगे और वो नहीं केयर कर पाएंगे, अपना दुखी होना तो तय है ही उसमें। हमको दूसरी वाली लाइन लेनी है, जो इस अभ्यास में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे में ये जो बन गया है पहले का, उसको ठीक से ऑब्जर्व कर लें, ऑब्जर्व करके अपने भाव तक, भाव के पर जाकर हम उसको ठीक से एवेल्युएट कर लें कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं। ये एक बार तय हो जाए कि ये भाव जो मेरे में बना हुआ है यही मुझे सहज स्वीकार है, इसी की मैं निरंतरता चाहता हूँ, यही मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। अब इस भाव के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि सुनने की प्रक्रिया क्या है। तो सुनने की प्रक्रिया, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो जाए, इस प्रक्रिया को अगर हम ठीक से समझ लें तो उतनी हड़बड़ाहट नहीं होगी जितनी हमको अभी हो जाती है। तो जैसे अभी हम लोग देखे हैं ना कि सुनने की प्रक्रिया क्या चल रही है, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ बात रखते हैं, हम बात रख रहे हैं आप सुन लेंगे, ये इमिजिएटली नहीं होता है। हम बात रख रहे हैं आप सुनेंगे, पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आप इस बात से आश्वस्त होंगे कि जो व्यक्ति बता रहा है वो ठीक ही है ना, या ठीक बता रहा है, कम से कम कुछ जी भी रहा होगा। इस तरह की जब कुछ आश्वस्तियां होंगी आप में हमारे लिए, तब आप उन शब्दों को सुनना चालू करेंगे, फिर शब्दों को सुन रहे हैं, है ना, उन शब्दों के अर्थ अपने में देख रहे हैं, और अगर हमारे संस्कार कुछ अन्यथा है या मेरे लिए आपके अंदर कोई पुराने व्यवहार का दुख बना हुआ है, तो भी उन शब्दों का आप में चला जाना मुश्किल काम है,
तो दो चीजें हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, एक तो पुराना व्यवहार है ना, हम दुखी हो रहे थे, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, हम कभी बोल पाते थे कभी नहीं बोल पाते थे, एक समय के बाद इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई है तो अब हम आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पुराने इंटरेक्शन में जितना मैं दुखी हुआ हूँ वो दुख बना हुआ है। दूसरा, मेरे संस्कार, आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे कुछ उसका यूजफुलनेस ही नहीं लग रहा है। ये दो चीजें अगर बनी हुई हैं तो व्यक्ति मुझको सुन लेगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल काम है। तो सुनने और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को देखेंगे तो प्रक्रिया सिंपल है, उस प्रक्रिया पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ है ना, आप तक शब्द जा रहे हैं, शब्द आप तक जा रहे हैं, अब आप उसको इवेल्युएट करते हैं, मुझे भी इवेल्युएट करते हैं, बोलने वाले को भी इवेल्युएट करते हैं, और जो बात कह रहे हैं उसको भी इवेल्युएट करते हैं। इन दोनों के अर्थ में ये तय होता है कि मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। अभी हमको क्या रहता है कि हमने कहा है, इंट्रेक्शन किया है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ये सुनते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सुन ही नहीं रहे, लेकिन पुराने व्यवहार का दुख और अपने संस्कार ये बीच में आ जाते हैं, ये ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, इसलिए वो सुनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो हमको ये ध्यान रहे कि इतना भी होना बाकी है। जैसे अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना चाहें, जब हम कोई प्लांट लगाते हैं जमीन में है ना, पौधा लगाते हैं, आप उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, क्या लगता है 4 दिन बाद आप ये बोलने लगते हैं बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, निकलो, फल क्यों नहीं दे रहे हो, फूल क्यों नहीं दे रहे हो, क्या 4 दिन बाद हम बोलने लगते हैं यस और नो? चैट बॉक्स पर हम लोग बता सकते हैं, बताइए। हम बीज लगाते हैं जमीन और उस बीज से पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, क्या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, क्या हम ये चलता है मेरे में कि निकलता क्यों नहीं है ये, है ना? मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, खाद डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, फिर भी निकलता क्यों नहीं? तो आंसर नो आ रहा है। अगर मैं पूछूँ आंसर नो क्यों आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, है ना? अगर मैं पूछूं क्यों नो आंसर आ रहा है तो रौनक जी कह रहे हैं हम इंतजार करते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा कि इंतजार क्यों कर रहे हैं, वेट क्यों कर रहे हैं आप, तो परविंदर जी कह रहे हैं उसके बारे में हमको नियम की क्लैरिटी है कि एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, इतने साल लगेंगे, बड़ा होगा, फिर फ्रूट्स देगा, तब कहीं जाकर हमको जिस आशा से स्टार्ट किया था वो पूरा होगा। तो ये प्रक्रिया का क्लियर होना जरूरी है, नियम का क्लियर होना जरूरी है। तो मनुष्य के साथ अभी हम बहुत हड़बड़ी करते हैं, और स्पेशली उनके साथ जिनके साथ बहुत क्लोज जी रहे हैं, हमको लगता है हम कहेंगे और ये सुन लेंगे। बाहर वालों के साथ बहुत फर्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि नहीं भी सुनेंगे तो वो परस्परता में नहीं जी रहे, हमारे साथ इंट्रेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हमको पता है 5 दिन है, 5 घंटे इनके साथ रहना है, फिर हम वापस तो घर ही जाना है। लेकिन जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ हम लोग थोड़ा सा इस प्रक्रिया को भी समझ लें। तो प्रक्रिया ये है कि मैं बोलूंगा, उस वो व्यक्ति सुनने की स्थिति में तब होगा जब उसको मेरे पुराने व्यवहार के लिए सही आकलन है। अगर पुराने व्यवहार में हम स्लिप हुए हैं, चाहे हमारी गलती हो चाहे इनकी गलती हो, अगर स्लिप हुए हैं और उसका दुख बना रहा हो तो सुनना मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए? अब मेरे ख्याल से तो अब ये होना चाहिए कि हमारे में जो बार बार विरोध का भाव आ रहा है इसको ठीक से है ना एड्रेस किया जाए। तो अपने को ऑब्जर्वेशन में रखा जाए है ना, और हम देखें कि विरोध के विचार के पीछे, विरोध के भाव को हम ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं। देख पा रहे हैं तो अपने से ये प्रश्न पूछें, क्या ये मुझे सहज स्वीकार है, निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये वाला काम पहले करना है। इसके साथ है ना हम उनके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे, अपने भाव पे काम करते रहेंगे और इंटरेक्शन करते रहेंगे। जब इतने में वो मेरे स्थिरता को देख पाएंगे तब उधर से कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आज व्यक्ति देखिए ना भी कह रहा है तो कम्युनिकेशन तो कर ही रहा है ना। वर्स्ट सिचुएशन तो तब हो गई जब ना भी नहीं कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं वो पत्थर की तरह खड़ा हुआ है, ये तो वर्स्ट सिचुएशन हो गई। अभी ना भी कह रहा है तो कम से कम इंटरेक्शन तो हो ही रहा है ना? तो इतनी बात हमें लगता है ध्यान रहे तो चीजें सही होने की संभावना हो सकती है। तो उसको मैं फिर से सम अप कर देता हूँ कुछ लाइनों में। तो अभी मैं इतना कहना चाह रहा था कि अभी हम भाव की अपेक्षा से स्टार्ट करते हैं।
भाव से स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमको अपने में ऑब्जर्व करना है। तो भाव से स्टार्ट करेंगे तो हम उस व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित नहीं होंगे, और प्रभावित नहीं रहेंगे तो मेरे व्यवहार में निश्चितता बनी रहेगी। इस निश्चितता जब बनी रहेगी तो दूसरा व्यक्ति वैल्यूएशन करेगा कि जो मैं पहले सोच रहा था अब ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे उसका वैल्यूएशन ठीक होगा वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स बढ़ेगा। जी दीदी, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। जी भैया, बिल्कुल क्लियर हुआ, गॉट योर पॉइंट। सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही था कि भाव से शुरू ही नहीं हुई बात, और दूसरी कुछ एक्सपेक्टेशन जो बनी हुई थी, मतलब अनरियल शायद, वो सामने आ गई। ये मतलब मुझे अभी यही समझ में आया कि मैंने जो स्टार्ट किया कन्वर्सेशन वो गलत फीलिंग से ही शुरू हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाव तो था ही नहीं कहूंगी, अगर शायद भाव से शुरू किया होता तो इस हद तक वो बात पहुंचनी थी। और भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम हुई है। देखिए, ये जो आर्गुमेंट हुआ पूरे 1 साल 1 साल से भी ज्यादा, जून मैंने अप्रैल में किया था, मतलब आप ये कह रहे थे 1.5 साल के बाद ये आर्गुमेंट हुआ, अदरवाइज ये होते रहते थे। फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम हुई है, लेकिन मुझे लगा था कि सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन इन चीजों को टाइम लगता है ये चीज बहुत क्लियरली समझ रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस एक बात दीदी मैं उसमें और ऐड कर दूं जो हम सबके लिए यूज़फुल हो सकती है, कि जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं है ना, UHP 1 करते हैं, 2 करते हैं, तो हमको ये बात क्लियर हो कि ये UHP 2, UHP 1, 3 अभ्यास जो हम कर रहे हैं ये अपने में परिमार्जन के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम शिफ्ट कर जाते हैं कि ये UHP 2 में जो हमने सुना है अभ्यास में ये सुन रहा है सुना है ये दूसरे में शुरू हो जाए, इस अपेक्षा में हम चले जाते हैं। ये हमको थोड़ा सा देखना है कहीं हम इसमें स्लिप तो नहीं होते हैं। हाँ जी भैया, ये आपने बिल्कुल सही किया, ये तो स्लिप होते ही रहते हैं जी बहुत सारे। जी तो जी हमको लगता भैया, है कि हमको इंटेंशन कॉम्पिटेंस समझ में आ गया, इनको भी समझ में आ जाए है जी, ना, ये बहुत हम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट ठीक होना है किया, सम्मान में, इनको भी समझ में आ जाए। तो सही ये अब किया। क्लियर होना चाहिए कि ये उनके समझ में आ जाए, इससे पहले प्रोग्राम का लक्ष्य है कि मेरे में वो स्थिर हो जाए। तो जी ये भैया, थोड़ा सा ध्यान थैंक यू देना है सो मच। दीदी। और जी डे बिफोर यस्टरडे जो जी भैया वो पॉइंट था कि भाव को देखना है, एनालिसिस नहीं करना, वो उससे भी मतलब बहुत रिलीफ मिला। 3 दिन सिर्फ भाव को देख के, मतलब उसको कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको भाव देखना है। उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं विचारों में चली जाती थी और विचारों से उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती थी। जो भी प्रॉब्लम आ रही है भाव नहीं देखती थी, विचारों से ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती थी। तो ये वाला पॉइंट जो डे बिफोर यस्टरडे आपने कहा कि एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है, तो देखने से इतना रिलीफ जी है, 3 दिन से मैं हार्मनी में। थैंक यू सो मच। सही बात है। ठीक है नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया, जी जी मेरा प्रश्न ये था कि कल जो आपने क्लास में बताया कि हम जब आराम में रहते हैं तब भी हम ऑब्जर्वेशन बनाए रखें, तो भैया मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है और इस चीज को मैं पहले से ही कर रही हूँ। उसमें मैंने ये देखा कि जब मैं आराम में हूँ, तब जब मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, तब कोई जब प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ रही है तब मैं आराम में हूँ, पर उस समय जी फिर मुझे ये बना रहता है कि मुझे चेकिंग करनी है कि अभी कोई परिस्थिति तो है नहीं, कुछ चेकिंग करनी है तो कैसे होगा, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अपने में चेकिंग बने, उस चीज की क्रेविंग रहती है। बट जब वो जी परिस्थिति आती है ना, तो फिर वही हो जाता है पहले वाला रिएक्शन। वो ऐसे लगता है ना कि ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं ठीक है, पर फिर भी रिएक्शन हो गया, ये ऐसे कैसे? तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई धोखा सा हो गया, खुद के साथ ही खुद धोखा कर रहे हैं क्या, कि ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं फिर ये क्यों हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ पर वही नहीं हो रहा है ठीक से, उसके ऊपर 100% अटेंशन नहीं है, तभी रिएक्शंस निकल रहे हैं। क्योंकि अगर 100% सजगता रहेगी ना तो रिएक्शंस नहीं निकलेंगे। अब वो रिएक्शंस इसलिए निकलते क्योंकि पुराने संस्कार हैं, मान्यताएं हैं,
कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, जैसे आपने अभी कहा कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन होती है, तो सामने वाले से तो होती ही है, खुद पर भी होती है। और बेसिकली क्या होता है कि जो हम अपने भाव को देखते रहते हैं ना, भाव के ऊपर जो दृष्टा भाव रहता है वो एकदम से शिफ्ट होकर विचार में चला जाता है, और एकदम से एनालाइज जो करते हैं ना, वो भाव को तो करते ही नहीं है, विचार को एनालाइज करके तर्क में पूरी तरह चले जाते हैं, और वो पूरा एकदम जी एक साथ में जो इन सब चीजों का फोर्स है ना, वो हमें कहीं और ही दिशा में बहा के ले जाता है। तो ये सब जी चीजें मैंने अपने में ऑब्जर्व की हैं। तो ये नहीं समझ आता भैया कि इस चीज को रोकू कैसे, ये जो इतना जो उस टाइम फास्ट जो होता है ना, उस चीज को, वो जो पॉइंट होता है ना, जब रिएक्ट कर रहे होते हैं, जब होता है ना प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है, सपोज अपने एग्जाम्पल ले लेते, कोई इंसान उसकी बात कहता है जो हमारे हिसाब से गलत है, माइट भी उनके हिसाब से सही हो, तभी वो कह रहा है ना। अगर कोई भी इंसान कुछ कह रहा होता है तो वो उसके हिसाब से सही होता है, तभी वो कह रहा होता है, बट वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो हम क्या करते, रिएक्ट कर देते हैं। तो वो जो इतना जो फास्ट रिएक्शन वाली चीज जो निकलती है ना, उस समय सजगता से बनाए रखे, उस समय जो होता है ना भाई भैया, वो जो अटेंशन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ये नहीं समझ आता मुझे भैया। जी, देखिए, मैं हाँ अपना प्रश्न रख पाई? हाँ दीदी, जी, आपका प्रश्न पहुंच गया जी। तो दीदी देखिए, क्या होता है कि अभी हम जब किसी से इंटरेक्शन करते हैं, है ना, और वो अपनी बात कह रहा है और वो बात हमको सही नहीं लग रही है, भले वो अपने को सही मान के कर रहा है, कोई सही समझ के ही बोल रहा होगा, उसको लग रहा होगा मैंने सही समझा इसीलिए कर रहा है, इसीलिए बोल रहा है, लेकिन हमको सही नहीं लगती है। तो अभी हमारा जो अभ्यास है ना, जैसे हम लोग कल्पनाशीलता में भी कर रहे हैं, वही बाहर करते रहते हैं। तो जैसे कि अपने में कोई अन्यथा भाव आया, हम तुरंत उसको या तो रिएक्शन देते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम कल्पनाशीलता में भी यही कर रहे हैं, इसीलिए वो व्यवहार में भी वही रहता है। तो जैसी कोई बात ठीक नहीं लगती है, हम या तो रिएक्ट करते हैं या उससे डिस्टेंस बनाते हैं। तो देखेंगे तो कल्पनाशीलता में भी हम वैसे ही चल रहे हैं, इसलिए बाहर भी हमको वैसे ही दिखता है, क्योंकि बाहर जो मैं कर रहा हूँ तो वो तो बेसिकली कल्पनाशीलता में जो कर रहा हूँ उसी का ही रिफ्लेक्शन है ना, वही मैनिफेस्ट होके बाहर आ रहा है। तो कल्पनाशीलता में भी हम लोग इसी तरह का करते हैं कि कुछ अच्छा लग रहा है उसको बनाए रखना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उससे डिस्टेंस बनाते हैं। सेम बाहर भी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का ही रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। अभी उसमें ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हम कल्पनाशीलता में इस बात का अभ्यास कर पाएंगे कि सही को भी ऑब्जर्व करना है, जो अपने में चल रहा है सही लग रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना है, जो अन्यथा लग रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके भाव तक पहुंचना है, और भाव के लेवल पर जाकर हमको अपने से पूछना है ये मुझको सहज स्वीकार है कि नहीं। अगर इतना अभ्यास मैं अपनी कल्पनाशीलता में करता हूँ अवेयरनेस के साथ, तो ये रिफ्लेक्शन हमको इंट्रेक्शन में भी दिखेगा। तो अगर मान लीजिए मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ 1 और 2, है ना, ठीक से कर पा रहा हूँ, तो अब जब कोई बाहर इंटरेक्शन करेगा, आपसे कुछ कहेगा, तो आप जब शब्दों को सुनेंगे तो आप अवेयरनेस के साथ उठने वाले विचार को भी देख पाएंगे, उसके पीछे के भाव को भी देख पाएंगे, और भाव के लेवल पर अपने से पूछ पाएंगे कि मुझे क्या सहज स्वीकार है ना। फिर जो सहज स्वीकार है उसके साथ आप फिर विचारों को फैलाएंगे, और दूसरे वाले व्यक्ति ने जो कहा है उसके भी भाव तक आप जाने की कोशिश करेंगे। अब शब्द और भाषा ये इतना प्राइमरी नहीं रहेगा, अब भाव वाला भाग प्राइमरी हो जाएगा। तो जो मुझे सहज स्वीकार है, जब उस भाव से मैं करूंगा तो उसे पूरा भी सुन पाऊंगा, उसके भाव तक भी पहुंच पाऊंगा, और उसने गलत कहा है ये प्राइमरी बात नहीं है। अब उस भाव से मेरा ध्यान इस पे जाएगा कि इसका भी ध्यान अपने स्वभाव पे चला जाए, इसको फोकस में रखकर मेरा इंटरेक्शन होगा। इको फोकस में रखकर अगर इंट्रेक्शन करते हैं तो वो भी तृप्त होगा और मैं भी तृप्त होऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, भाव को फोकस में रखकर इंट्रेक्शन नहीं करते हैं, शब्द भाषा है ना ये सब को ध्यान में रखकर इंट्रेक्शन करते हैं। भैया एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी जी, भैया, आपने कहा कि इसको फोकस रखें कि सामने वाले का भी फोकस उसके भाव की तरफ जाएगा, भैया यहाँ पे भी तो एक्सपेक्टेशंस बन गई ना सामने वही वाले से कि जाएगा। उसको, हाँ क्योंकि जी, ठीक है, ये ठीक है, एक्सपेक्टेशन, मैंने ये नोटिस किया है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना सामने वाले से कि उसका भाव जाएगा,
या वो समझेगा या उसको भी समझ आएगी, ये सब चीजें ही हम बहुत नेगेटिव की तरफ ले जाती है। वो एक्सपेक्टेशन क्या होता है सामने वाले से, फिर वही वो चीजें फिर से होने लग, हम रिएक्ट करने लग जाते हैं कि अरे ये तो नहीं समझ रहा है, फिर वही मान्यता जी सेट हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये सामने वाले से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है कि वो समझेगा या उसका भाव भी जाएगा। वो जैसा है, अगर वो सही भी कर रहा है या गलत भी कर रहा है, वो जैसा भी कर रहा है, हम उसे वैसे एक्सेप्ट करें। उसके साथ साथ अपने अंदर इस भाव और इस विचार को भी एक्सेप्ट करें कि ये जो हमारे अंदर उसके प्रति विरोध हो रहा है, उसको हम देखते हुए उसको एक्सेप्ट करें, तब भैया कुछ समझ आता है कि होगा। किंतु ये जो है ना, ये अपने अंदर ही इस चीज का विरोध खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये जो होता है ना कि सहज स्वीकृति, इस चीज के लिए स्वीकृति नहीं बनती है बिल्कुल भी, कि अगर अपने ये सोचे कि सामने वाला गलत है फिर भी उसको स्वीकार करें, इस चीज के अंदर में स्वीकृति नहीं बनती है, और जिसके कारण ही विरोध खड़ा होता है। तो भैया मैंने ये चीज नोटिस की है, ये सही है कि नहीं है बताइए भैया। 2-3 प्रश्न आपने इस प्रश्न में पूछ लिया है ना? जी एक भैया, एक करके मैं आंसर कर देता हूँ, तीनों का आंसर को आप सुन लीजिए, फिर देखिएगा कम पड़े तो बताइएगा। ठीक जी, तो एक तो देखिए दीदी, है ना, एक्सपेक्टेशन बंद ही कर देंगे ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अगर कर भी रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरी एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा ही कर दे, ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ये दुख का कारण बनती है ना? तो आप किसी को कुछ बता रहे हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो बताया है इसको समझना ही चाहिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये प्रॉब्लम, एक तो ये भाग है। दूसरा भाग देखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने में जो सहज स्वीकार भाव है उस भाव से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो जैसे वात्सल्य का भाव है, इस भाव से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे के समझ में परिमार्जन हो जाए, ग्रोथ हो जाए, इसको सेंटर में रख के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं, और ये नेचुरल हो रहा है क्योंकि मैं वात्सल्य के भाव से चल रहा हूँ, वो समझ उस प्रोसेस में समझ पाएगा, उसका ध्यान जाएगा, ये उसकी स्थिति पर है। लेकिन अब क्योंकि मेरे से ये नेचुरली हो रहा है इसलिए वो समझेगा कि नहीं समझेगा इस बात से मैं मुक्त हूँ अभी, क्योंकि मैं अपने में सहज स्वीकृत भाव से, है ना, विचार करके उस तक बात पहुँचा रहा हूँ। तो अब मैं इसलिए नहीं पहुँचा रहा हूँ कि वो समझ जाए, अब ये मुझसे होना ही है, यही मेरा वैभव है, यही मेरे लिए नेचुरल है। तो जब मैं अपने स्वभाव में हूँ तो वात्सल्य के भाव से दूसरे की ग्रोथ के लिए काम करना, है ना, बड़ी व्यवस्था को देखकर भागी करना, भागीदारी करना, यही मेरा वैभव है, ये मुझसे हो रहा है। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सामने वाला सीख जाएगा, समझ जाएगा, वो भी हो जाएगा, उसका ध्यान जाएगा इस प्रोसेस में तो उसका भी ग्रोथ होगा, लेकिन मैं ये कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा वैभव है। तो भाव के साथ भागीदारी ये जुड़ा हुआ है। तो अब मैं किसी अपेक्षा में नहीं कर रहा हूँ, ये एक नेचुरल आउटकम है। तो वात्सल्य के भाव के साथ दूसरे की समझ में ग्रोथ के लिए कॉम्प्लीमेंट होते रहना, ये एक नेचुरल आउटकम है। अब मैं कर नहीं रहा हूँ, ये होना ही है। करना वाला भाग तो तब आएगा जब मेरे में भाव को मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मैं इस अपेक्षा से स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो सुन ले, समझ जाए, वो भी ठीक हो जाए, और वो ठीक हो जाएगा तो मेरा जीना तो ठीक हो ही जाएगा। फिर यहाँ ना होने का फिर दुख आएगा, अगर वो नहीं समझ पाएगा तो यहाँ से आप दुखी होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो रूट ले रहे हैं स्टेप 1 स्टेप 2 में, वो यही रूट ले रहे हैं कि एक बार अपने को देख लें, अपने में भाव को देख लें, भाव की निरंतरता चाहते हैं, यही भाव सही है, यही मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग है, ये देख लें, फिर बाहर उसके लिए ग्रोथ में हेल्प करना, भागीदारी करना, बड़ी व्यवस्था में पार्टिसिपेट करना, ये सब एक वैभव है, ये नेचुरल आउटकम है। अब इसके साथ मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये होना ही है, भाव के साथ भागीदारी होना तय है, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो इसके साथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो व्यक्ति समझ जाएगा तो भी अच्छा है, नहीं समझ पाएगा तो भी मेरे में भगदड़ नहीं रहेगी क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरी भागीदारी है, और भागीदारी तो नेचुरली आएगी बाहर जितना जितना हम समझते जाएंगे। तो ये डिफरेंस है दीदी, जो आप पूछ रहे थे और जो मैं कह रहा हूँ, बताइए
ये बात आप तक मतलब भैया पहुंच पाई कि नहीं? हम मतलब भैया हम ये समझे कि हमारे अंदर जो मैं जो ये सोच रही थी कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि सामने वाला समझेगा, वो ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ रही है कि एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक्सपेक्टेशन तो बनी रहती है और ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत स्ट्रांग है कि हमें परिवर्तन आया है तो सामने वाला भी समझेगा इस चीज को। तो इस चीज को मतलब एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ चलो ये एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर है, मुझे ये भी रखना है साइड बाई कि ये मतलब ठीक है, अगर इनमें अगर चेंज नहीं भी आया तो वो भी स्वीकार है क्योंकि मेरे में भी तो नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है सब कुछ पर फिर भी मुझ में नहीं आ रहा है। और जो उनको नहीं पता है, जो वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जिस चीज से वो एकदम अनजान है, तो वो कहाँ से एकदम से चेंज हो जाएंगे ना, तो उनमें उनको तो समय लगेगा है ना, बट भैया फिर भी रिएक्शन निकल जाते हैं तो वो नहीं समझ आता कि फिर भी इसीलिए निकल जाता है क्योंकि हम ये जो बात कह रहे हैं ना, जितनी बात अभी लास्ट लाइन आपने बोली है, ये बहुत हम तर्क से बोलते हैं। तो जब हम तर्क से बोलते हैं और अंदर के भाव को ऑब्जर्व करके उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो भाव तो अन्यथा बना ही हुआ है। तर्क में हम कितना भी अच्छी बात करें, तो ये जो बार बार प्रश्न आता है ना कि ये बिगड़ ही जाता है, जबकि हम सोच तो ऐसा रहे हैं, उसी को ठीक से देखना जरूरी है। हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं मतलब हम तर्क के विचार के लेवल पर ये विचार फैला रहे हैं कि हाँ देखो इनकी भी योग्यता कम है, हमारी भी योग्यता कम है, इनका भी ध्यान जाएगा तब जाएंगे, हमारा भी ध्यान जाएगा तब जाएगा। ना हम अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, ना वो अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं। ये ध्यान देने वाला कार्यक्रम शुरू नहीं हो पा रहा है। ध्यान जाएगा तब हम ठीक हो जाएंगे, ये सब विचारों में फैल तो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें ध्यान देकर मैं अपने विचार से भाव तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ, इसको हम लोग कभी नोट करें कि दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने विचार को ध्यान दे रहा हूँ कल्पनाशीलता में, फिर उसके पीछे के भाव पर भी ध्यान चला गया, अब मैं इवेल्युएट करके पूछ भी पा रहा हूँ। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे ना तो हमको दिख जाएगा कि हम विचार में ज़्यादा फैलाए रहते हैं अच्छी बातें, या भाव के लेवल पर हम चीज़ों को इवेल्युएट कर पा रहे हैं। भैया अगर इसको ये दो चीज़ों डॉक्यूमेंट में हम भी किया डिफरेंस नहीं है, कर पा रहे हैं तो गैप बना रहेगा। भैया इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, मतलब मैंने बहुत गूगल बढ़िया मीट बात का है। शीट बनाकर इसका नोट्स पूरा बनाया कि हर टाइम मतलब देख के कि क्या भाव चल रहे हैं, अभी ठीक है चलो अभी बिगड़े हैं, अभी बिगड़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बट भैया फिर भी मतलब वो नहीं आता है नहीं, रुकिए कंट्रोल रुकिए में। दीदी, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। बिगड़ रहे हैं क्योंकि आप उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो जैसे ही अन्यथा कुछ भाव आता है फिर आप उसमें कुछ जोड़ने लगते हैं, दूसरे वाले का चेहरा ध्यान आ जाता है, फिर आप उसमें कुछ और जोड़ते हैं, तो ये बिगड़ रहे हैं मतलब यही है कि हम उसमें और रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ वो तो तो दिख रहा है ना अगर कि उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, बट वो रिएक्शन ही जी तो नहीं रुक रहा है ना, वही उसी चीज का तो तो होती है प्रोसेस बता कि रहे हैं दीदी, हाँ उसी का तो प्रोसेस बता रहे हैं कि बिना रिएक्शन दिए उसको देखना है, उसको देखते रहिए। वो क्या है, देखने से पहले ही हम कंक्लूड कर देते हैं हाँ भाई स्वीकार तो नहीं है, अब चलो आगे चलते हैं, अब आगे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर आप हाँ वही हो रहा है भैया, वही हो रहा है, यही वो करते हैं देखने से पहले ना कंक्लूड कर देते हैं और फिर वो और यही क्या। चीज हो जाता है, यही हो रहा है, और वो ना फर्स्ट स्टेप हो ही नहीं रहा है देखा जाए तो। बेसिकली लग रहा है कि सही फर्स्ट बात स्टेप है, कर रहे हैं पर फर्स्ट स्टेप हो ही नहीं रहा है, और वो हम हाँ थर्ड ये भी, फोर्थ में चले जाते हैं पूरा। हाँ तो ये भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए जी कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप पूरा हो नहीं पाता, तो आपका बार बार ध्यान जाएगा, अभी हो नहीं पा रहा है, करना है ना। थैंक यू भैया, हाँ देखिए बहुत ज़्यादा ना हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि वो हम लोग क्या करते हैं, ये दो चीज़ों में स्लिप हो जाते हैं, ये पहला कर रहे होते हैं और फिर करते करते वो 7वें स्टेप तक पहुंच जाते हैं, पहला पूरा नहीं हुआ होता है ना। तो अगर एकदम से चल ऐसा जाते भैया हो ऐसे रहा है भी। तो हाँ हम लोग को बहुत जल्दी रहती है ना, हम लोग मेहनती लोग हैं ना सब लोग, है ना, फल को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं बिना प्रक्रिया में जाए हुए। वो पूरे शिक्षा के सिस्टम को देखेंगे ना तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो गया है, प्रोसेस उसमें कहीं है ही नहीं, तो प्रोसेस सेंट्रिक आउटकम बेस्ड हो तो भी ठीक है, अभी प्रोसेस का कुछ पता नहीं चल रहा है, आउटकम बेस्ड हो गए हम लोग, तो बात कर रहे हैं सामने वाला तुरंत सुन ले, हम अपने को देख रहे हैं तुरंत स्वभाव दिख जाए, है ना, सहस्तित्व दिख जाए, सीधे शून्य दिख जाए, संपत्तता दिख जाए, आउटकम सेंट्रिक हम लोग बहुत सोचते हैं, प्रोसेस सेंट्रिक हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात है, आउटकम आना तो एक नेचुरल बात है, वो तो आएगा ही,
अगर प्रक्रिया सही है तो। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग है ना वो स्टेप्स स्टेप्स में जंप करते चले जाते हैं, और फिर इतना समय लगाने के बाद भी आउटकम नहीं आता है, तो फिर अपने में ही परेशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग को है ना, ये मतलब स्लिप होता है, हम सबसे भी स्लिप हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमको देखना चाहिए, हम प्रोसेस सेंट्रिक बात प्रोसेस सेंट्रिक चल रहे हैं या सीधे आउटकम को ही ला के हजगा ले आते हैं, है ना। तो अभी हम लोग बैठे हैं, देखना चालू किया, 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं हुआ कि 7वीं स्टेप तक पहुंच जाते हैं, फिर शून्य ढूंढने लगते हैं सीधे। जी भैया, तो यही हो उसमें रहा है। अपने संस्कार को नहीं देखते हैं, एवेल्युएट नहीं करते हैं, है ना, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, कौन निर्णय ले रहा है ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सीधे शून्य तक पहुंच जाना चाह रहे हैं। ये समस्या तो रहेगी। और शून्य तक पहुंचना क्या है, शून्य के साथ तो संपर्क है, उसको देखने की बात है, पहुंचना भी कहीं है, तो देखते देखते वो भी दिख जाएगा, है ना। कुछ पाने की बात तो हो ही नहीं रही है, जो है उसी को देखना है। तो वीवन ब्लॉक भी है, देखते देखते हमको दिख जाएगा, सूर्य के साथ संपर्कता भी है, देखते देखते दिख जाएगा। वो जो हम पाने की चाहना में चल देते हैं ना, ये एक समस्या है। तो जो है वही देखना है, ध्यान देंगे तो दिखने लगेगा, ध्यान देने की प्रक्रिया चल रही है, वो हम ध्यान देते देते इसको पाना है, इस तक पहुंचना है, वहां ऐसा कुछ फ्रेम कर लेते हैं अपने में, फिर वो ध्यान देने की प्रक्रिया से हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दीदी मुझे अपने लिए लगती है, क्योंकि हम अपने को भी देखे तो ऐसा स्लिप हो जाता है, लेकिन मैं प्रोसेस पे ध्यान देता रहता हूँ, है ना। तो हड़बड़ी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है हम लोग को ना, हमारे में जितना संस्कार गहरा है उतना समय तो लगेगा ही। और लेकिन मुझे इस पूरे प्रोसेस में एक बात समझ में आई है कि देख के ध्यान देते देते हम जिस जो हैं और हमारे साथ जो है वो सब दिख जाएगा। तो ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, देखना इम्पोर्टेंट है, चीज़ें बार वैभवित होंगी, है ना। तो चीज़ें अपने हिसाब से वैभव के रूप में आएंगी, हमारे भाव वैभव के रूप में बाहर भागीदारी के रूप में दिखेंगे। वो हम क्या है कि पहले हम उल्टा चलते हैं, पहले क्या क्या होना है उसको सेंटर में ले आते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं। तो देखना चालू करेंगे गहराई से तो हमको कल्पनाशीलता में विचार दिखेगा, भाव दिखेगा, और गहराई बढ़ेगी तो उसके पीछे का संस्कार दिखेगा, और गहराई बढ़ेगी तो उसके पीछे स्वभाव दिखेगा। स्वभाव में जब हम अपने को देख पाएंगे, फिर हमारी कल्पनाशीलता में जो चलेगा उसका फैलाव अलग तरह का होगा, है ना। तो मैं पूरी बात रख देता हूँ, टाइम भी होने वाला है, फिर इस पूरी बात को लेकर आप कल अभ्यास करिएगा और देखिएगा फिर क्या हो रहा है। तो अभी क्या है कि अगर सुख प्रभाव के रूप में हम ले रहे हैं तो कुछ करने के रूप में कल्पनाशीलता को फैला रहे होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये समझ जाएगा, वो देख लेगा, है ना। कुछ करने के रूप में हम कल्पनाशीलता को फैला रहे होंगे, या कुछ पाने के रूप में कल्पनाशीलता को फैला रहे हैं, अगर हम सुख को प्रभाव के रूप में ले रहे हैं तो। अगर सुख स्वभाव के रूप में देख पा रहे हैं, सुख स्वभाव है इस बात को हम समझ पा रहे हैं, और ध्यान देते देते हम अपने स्वभाव तक जा पा रहे हैं, तो फिर करने के रूप में कल्पनाशीलता नहीं फैलेगा, फिर होने के रूप में देख पाएंगे। तो हमारा होना कैसे होगा इस बात पर ध्यान जाएगा, तो अस्तित्व का होना कैसा है इस बात पर ध्यान जाएगा, उसमें हमारा होना कैसा है इस बात पर ध्यान जाएगा, है ना। तो जो बाहर के लिए भी कल्पनाशीलता इतनी दौड़ाते हैं ना, उतनी आवश्यकता भी हमको नहीं लगेगी। तो देखना है, देख के होने की स्वीकृति होना है, यही सुख की जगह है। इसके साथ अस्तित्व सा अस्तित्व है यह बात दिखती है, फिर पूरी प्रकृति हर इकाई व्यवस्था में यह दिखते हैं, हर इकाई के साथ संबंध पूर्वक है ही भागीदारी कर रही है, ये भी हमको दिखता है स्वभाव में होते हुए, है ना। इस हर इकाई की एक निश्चित भागीदारी है, उसमें हमारी भी एक निश्चित भागीदारी है, ये भी हमको दिखता है, ये सब दिखने का सुख है। तो B1 ब्लॉक की जगह पर जाए देखेंगे तो उसी को अलग अलग तरह से कहा गया, परमानंद आनंद संतोष, फिर B2 में शांति सुख, इस तरह से। लेकिन अब कल्पनाशीलता में क्या हो, अस्तित्व का डिजाइन है और मेरा होना क्या है, होने के रूप में चीजें दिखाई देंगी। अभी क्या है, जो कल्पनाशीलता में फैलता है वो करना या बाहर से कुछ पाना, इस रूप में फैल रहा होता है। तो अगर इस रूप में फैल रहा है तो अभी हम प्रभाव को सुख माने हुए हैं। तो क्या करना है, तो ध्यान देना है, ऐसे संस्कार जो प्रभाव को सुख मान के बैठे हुए हैं उनको ठीक से एवेल्युएट करना है। जैसे जैसे उनको एवेल्युएट करेंगे, हमारे देखने की
पात्रता बढ़ेगी, जैसे देखने की पात्रता बढ़ेगी हम अपने स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे, स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे तो होने के रूप में अपने को देख पाएंगे, होने के रूप में देख पाएंगे तो बाहर जो फैलेंगे वो एक वैभव होगा, तो वैभव के तहत हम फैलेंगे, है ना, एक नेचुरल वे में हम फैलेंगे, वात्सल्य के भाव से निर्वाह करेंगे, विश्वास के भाव से निर्वाह करेंगे, ये सब एक नेचुरल आउटकम हो जाएगा। इतना अगर ध्यान बनाए रखेंगे तो हमको देखने में चीजों को सहायता मिलेगी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जब हम कल्पनाशीलता को देख रहे हैं तो कुछ करने के रूप में चीजों को फैला रहे हैं या कुछ बाहर से पाने के रूप में फैला रहे हैं, इस बात को देखिए। होने के रूप में चल रहा है तो उस सब क्षण में स्वभाव में हूँ, तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखें, है ना। और जैसा मैंने कहा कि स्टेप को पूरा ही करें, एक एक स्टेप को पूरा करते हुए हम लोग चलें, वो हम स्टेप पूरा कर रहे होते हैं और फिर बाहर से कुछ होना या बाहर कुछ कर देना, इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, और वो शिफ्ट रहते हुए हम स्टेप 7 तक भी चले जाते हैं, तो वो सब बहुत मिक्सिंग हो जाती है। तो मिक्सिंग हो जाती है तो फिर हमको ऐसा लगता है, बार बार इंप्रेशन जाता है कि भाई इतने समय से कर रहे हैं हो क्यों नहीं रहा, तो उसको बहुत सहज रूप से आराम से एक एक स्टेप को देखिए। 10 दिन हो गए एक स्टेप पूरा नहीं हो रहा है तो भी रिएक्शन मत करिए, तो भी अपने में निर्णय बना रखिए, ऑब्जर्वेशन ही करना है मुझे, है ना। स्टेप 1 और 2 ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, अगर हम इनको पूरा करते हुए चलेंगे है ना तो बाकी स्टेप में जाना बहुत सहज हो जाएगा। जी भैया, तो इतनी बात मैं कभी रोक रहा हूँ, 7:30 हो गया है ना, तो कुछ लोगों के अभी हैंड रेज है, मैं इनका नाम नोट कर लेता हूँ, कल हम लोग तब तक इस बात का अभ्यास करिए, उस अभ्यास में ध्यान रखिए, ये अभ्यास मेरे परिमार्जन के लिए है ना, दूसरा इसको जल्दी से समझ जाए ये हो सकता है अगर उसका ध्यान चला जाए तो, लेकिन मुख्यतः तो ये मेरे परिमार्जन के लिए है, और इस अभ्यास में मैं सारी स्टेप्स को देख पा रहा हूँ कि नहीं, उस प्रक्रिया में एक एक स्टेप को देख पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है 1 करते करते हम 1 मिनट भी अभी नहीं हुआ, 1 शुरू किया और 7 स्टेप पे घूम के फिर से वापस आ गए। अगर उतना अभ्यास हो गया है कि एक एक तार तार करके चीजों को देख पा रहे हैं और फिर 7 स्टेप तक जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, नहीं हुआ है बीच में इंटरप्ट हो जा रहे हैं, एक एक स्टेप को सही से फिर अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना, कल हम लोग फिर से इसको करेंगे, तब तक हम लोग इस अभ्यास को बनाए रखेंगे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करते हुए भाव तक पहुंचना और इवेल्युएट करना, इसको हम लोग ध्यान बनाए रखेंगे कि कितना हमारा ध्यान गया है आज। जी भैया, तो हम लोग यहीं रोक लेते हैं आज।